तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पावर सप्लाई मदरबोर्ड हार्ड डिस्क लगा रखी है, और हमें ये चेक करना है कि हमारा मदरबोर्ड ओके है कि नहीं है, अदरवाइज़ हमारा फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अदरवाइज़ हमें ये सारी चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पर मैंने पावर की लगा रखी है मदरबोर्ड में, सारी पावर कनेक्शन दे रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि मदरबोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको इतना चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सिंपली ध्यान से देखिएगा, यहाँ को पावर पावर ऑन ऑफ के दिखाई दे रहे होंगे स्विच, यानी कि यहाँ पे कीज़ जो हमारा पावर मॉडम है जहाँ से हम पावर स्टार्ट करते हैं वहाँ पर ही कुछ पिनें दिखाई दे रही हैं। तो इन पिनों को चेक करके हम बता सकते हैं कि हमारा मदरबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा, अदरवाइज़ ऑन हो रहा नहीं हो रहा, आप इसी तरीके से चेक कर पाएंगे। अब ये ऑन कैसे हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने वहाँ जो मैंने आपको पिन दिखाई थी उन पिनों को मैंने टच किया और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ वहीं वापस आप लगाए रखते हो तो वहाँ पर ऑफ हो जाता है, अदरवाइज़ फिर से ऑन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की पिन दिख रही है, आपको अलग अलग तरीके की पिन दिख सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपका बिल्कुल ही मदरबोर्ड ऑफ है तो 100% ये वर्क करेगी ट्रिक, और अगर इसके बाद भी नहीं चलता है तो आपको सिंपली करना क्या है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है आपका यहाँ पर मदरबोर्ड नहीं चल रहा है। तो ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑन किया तो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड चलने लगा है। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल आसानी से चला पाओगे। तो दोस्तों मेरी ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर पावर स्टार्ट कैसे होता है। आपको कोई भी स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में और कई नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इससे अगली वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, आप चाहें तो पूरा विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।